हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बंद हुआ है 35,550 पे, लगभग 100 पॉइंट के लॉस के साथ फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग देखी है हमने। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि फॉर मंथ हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 2% नीचे। तो एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग, क्योंकि निफ्टी हमने देखा है कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 2.5% गेन के साथ, मगर बैंक निफ्टी जो है तो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। तो यही दिखाता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है ऊपर के लेवल पे। और हमने जो है तो लॉन्ग टर्म जो एवरेजेस है उसको टेस्ट किया, सपोर्ट को टेस्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक किया है। तो हो सकता है कि ये बाउंस बैक जो है तो कंटिन्यू हो सकता है, मगर ये अर्ली साइंस अभी तक जो है तो दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, मगर इसके लिए अगले 1 से 2 महीने जो है तो उसको पॉजिटिव बंद होना होगा। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद होता है तो हम जो है तो फिर से नए लो देखेंगे बैंक निफ्टी में। और जिस तरह से इंडिकेटर पैटर्न है, बैंक निफ्टी जो है तो हो सकता है कि वीकनेस दिखा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है मंथली वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हमने नीचे जो है तो 33,700 और 32,400 के लेवल जो है तो वो टेस्ट करने के बाद रिवर्सल दिया है। तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है ऊपर के लेवल तक, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी में जगह है ऊपर जाने की, अगर उसको कैचअप करना है निफ्टी के साथ। तो मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। अगर हम अगले 1 से 2 महीने जो है तो पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं तो ये अर्ली साइंस हो गए लॉन्ग टर्म रिवर्सल के या फिर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के। मगर हम अगर नीचे ही बंद होते हैं तो हम एक धीरे धीरे जो है तो नीचे के लेवल पे जाएंगे, और नीचे के जो टारगेट है लगभग 24,000 तक वो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अभी उसका जो है तो ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी देखना होगा कि ये रिवर्सल में कन्वर्ट होता है या फिर कंटिन्यू होता है डीपर करेक्शन। तो मंथली चार्ट पे वीक लग रहा है बैंक निफ्टी, मगर यहाँ बाउंस बैक की ऊपर के लेवल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग या फिर कह लीजिए वैल्यू बाइंग की वजह से। अभी देखते हैं वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट 2 वीक के बाउंस बैक के बाद इस वीक जो है तो हमने ऊपर के लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ फ्रेश सेलिंग हमें देखने को मिली है और बैंक निफ्टी इस हफ्ते जो है तो लगभग 2.5% लॉस के साथ बंद हुआ है। हमने इस वीक जो है तो बैंक निफ्टी में लगभग 900 पॉइंट का लॉस देखा है, और इस हफ्ते का हाई था लगभग 36,900 के 850 और लो था लगभग 35,300। तो लगभग हमने 1500 पॉइंट की रेंज ऑलरेडी देख चुके हैं और लगभग 900 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हुआ है। तो यहाँ हमने सप्लाई आते देखा जो 20 वीक का एवरेज था उसी लेवल से। यहाँ जो है तो फिर से बैंक निफ्टी कोशिश कर सकता है और बैंक निफ्टी एक बार जो है तो 37,900 के लेवल टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में। मगर वीकली चार्ट जो है तो बहुत ही बेरिश लग रहा है, उसके लिए निफ्टी को बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा 36,750 का लेवल। तो जब ये 36,750 का लेवल क्रॉस करेगा तभी हम 37,900 के लेवल की तरफ जाएंगे, 950 और 900 के लेवल की तरफ। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो हमें फिर से जो है तो नीचे के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है ऑन वीकली चार्ट आल्सो। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वीकली बेसिस पे 36,700 का लेवल, इसको आपको क्लोजली वॉच करना है। इसके ऊपर जो है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो लेकर जाएगी बैंक निफ्टी को 37,950 के लेवल पे। अगर नहीं आती है और यहाँ से फिर से रिवर्सल आता है तो आप हमें जो है तो नीचे 34,500 से लेकर 33,300 के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर अगर आप वीकली चार्ट को जो है तो निफ्टी से कंपेयर करोगे। और जो प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न से वो बहुत ही वीक है बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ जो है तो मोस्टली नीचे के लेवल की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, और हम जो है तो फिर से 33,300 और उसके भी नीचे के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो
200 डेज के एवरेज के नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया, ओवरसोल्ड रीजन से एक शॉर्ट कवरिंग देखी, और अब अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो 200 डेज एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है तो 200 डेज का जो एवरेज है उसके बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि बैंक निफ्टी में बहुत ही वीकनेस है, और यहाँ बैंक निफ्टी में हम जो है तो शायद बैंक निफ्टी एक बार 34,500 का लेवल जो है या फिर 550 का लेवल जो है तो टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पे। आपको बैंक निफ्टी सेल करना है लगभग 35,800 टू 36,200 के जोन में, इस जोन में आपको सेल करना है बैंक निफ्टी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 36,400 के ऊपर रहेगा, तो आपकी सेलिंग रेंज होगी 35,800 से 36,200, ये 400 पॉइंट की रेंज जो है, तो इसमें बैंक निफ्टी सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस 36,400 के ऊपर, और नीचे जो है तो 34,550 का टारगेट पकड़ के चलिए। ये टारगेट मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मेरा क्लियरली सेल ऑन राइज भी हो रहेगा। ऑप्शन ट्रेडर के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप फोकस कीजिए 36,200 का जो पुट ऑप्शन है उस पे हम फोकस करेंगे। उसको जो है तो जब बैंक निफ्टी उसके करीब आएगा तब उसमें एक्युमुलेशन स्टार्ट करेंगे। स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 36,400 का लेवल क्रॉस करता है तो हम उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा वो लेकर निकल जाएंगे, और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ ना कि वीकली। और नीचे जो है तो 34,550 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम मुझे लगता है कि उस ऑप्शन में आपको 50-60% रिटर्न देखने को मिल जानी चाहिए। तो हम फोकस करेंगे इन द मनी पुट ऑप्शन जो रहेगा 36,200 का बैंक निफ्टी का। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बाउंस बैक पे बेचना है बैंक निफ्टी, और एक जोन में बेचना है, उस जोन में आपको शॉर्ट बिल्डअप करना है। जोन रहेगा 35,800 से लेकर 36,200 का, स्टॉप लॉस 36,400 के ऊपर, टारगेट 34,550 का। अगर उसके नीचे जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका लगभग 32,500 का, मगर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है मुझे। मुझे लगता है कि यही लेवल से हम घूम जाएंगे 34,550 और 34,250। तो इस जोन में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए, और फिर से वहाँ से जो है तो बैंक निफ्टी बाउंस बैक करेगा। जो बाउंस बैक लेकर जाएगा इसको 36,700 या फिर उसके ऊपर भी लेकर जा सकता है। तो वो तो हमें अगले मंथ में देखने को मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी पे बेरिश व्यू रखना है और सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। टारगेट रहेगा हमारा 34,550 या उसके भी नीचे 34,250 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।